और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन की। इस समिट में जहां प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को संबोधन, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने मोदी का समर्थन भी किया, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी भारत का समर्थन किया। G7 देश भारत का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिन चीजों का जिक्र किया उसमें साथ भारत को पूरी दुनिया का मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मेहमान के तौर पर G7 समिट में शामिल हुए थे और वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान दिया, जिसका समर्थन लगातार उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, लेकिन G7 शिखर सम्मेलन जिसमें अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे, बोरिस जॉनसन ने उनको इनवाइट किया था, क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई वो बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट, वन अर्थ वन हेल्थ इसका मंत्र दिया। वन अर्थ वन हेल्थ का सीधा सीधा मतलब है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, इसका मंत्र दिया। सबको मिलकर इस पृथ्वी के लिए और सबकी हेल्थ के लिए काम करना होगा। इसके साथ ही संपर्क ट्रेसिंग, यानी कि जिस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हम लगातार बात कर रहे हैं, और वैक्सीन प्रबंधन पर दुनिया के देश जोर दे, कैसे वैक्सीन मैनेजमेंट किया जाए, कैसे लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द दी जाए, इस पर फोकस किया जाए। ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग का उदाहरण दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और भविष्य की जो महामारी है उसे रोकने के लिए एकता, यानी कि सबका एक साथ होना, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, एकजुटता, सबका साथ मिलकर चलना, इन बातों का जिक्र भी किया। इसके साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, यानी कि ग्रुप एफर्ट्स डाले जाए, सब साथ मिलकर काम करें, बार बार इसी पर जोर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया गया, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो और सब चीजें लोकतंत्र के हिसाब से हो, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस G7 समिट के दौरान अपने संबोधन में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अब G7 समिट में आज भी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है और जाहिर बात है कि उस पर भी नजर रहने वाली है कि आज अपने संबोधन में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर करीब 1:30 बजे G7 समिट को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। दो सत्रों में आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री G7 में, और इसके साथ संबोधन उनका आज भी होगा। देखिए, वर्चुअली शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इम्पैक्ट उनकी बात का कितना है कि समर्थन मिल रहा है G7 देशों का। ब्रिटेन के लंदन में इस वक्त G7 सम्मेलन चल रहा है और बोरिस जॉनसन की तरफ से अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें वर्चुअली शामिल हुए, उनका एक संबोधन कल हुआ और आज दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से संबोधन देंगे प्रधानमंत्री G7 समिट में। एक और अहम जानकारी आपको दे दें, चीन को सबक सिखाने के लिए G7 के देश एकजुट हुए हैं। गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के G7 ने एक प्लान बनाया है, प्लान का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि B3W दिया गया है इस पूरे प्लान को नाम, और चीन के वन बेल्ट वन डोर OBOR के खिलाफ लाया गया है ये पूरा प्लान। B3W प्लान को अमेरिका करेगा लीड और चीन में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। तो एक और जहां G7 समिट हो रहा है और जो G7 के देश हैं वो मिलकर के ये तय कर रहे हैं कि चीन को आखिर कैसे सबक सिखाया जाए, और इसको लेकर के बाकायदा एक प्लान भी बनाया जा रहा है, और इसी बात की जानकारी जब से चीन को मिली है वहां खलबली मची हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।